ऑनी स्टूडियो ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पे रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती अपडेट, लेखपाल भर्ती वेटिंग लिस्ट 8085 इक्वल 7720 प्लस 177 प्लस 188, रिजल्ट अप्रॉक्स 6000। लेखपाल भर्ती PHOH 188 पर क्या? तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी जमकर शेयर करें। देखिए, अब पेट 2021 एग्जाम हुआ, उसके बाद लेखपाल भर्ती, उस पर पहला विज्ञापन लेखपाल भर्ती 2022 का है, जो कि बहुत बड़ी भर्ती थी आयोग की, यूपी ट्रिपल एस सी की 8085 पदों की इस लेखपाल भर्ती। और परीक्षा हुआ, परिणाम हुआ, सब कुछ हुआ, डीबी हो गई, सेलेक्ट कैंडिडेट में 7720 फ्रेश चयनित होते हैं, 177 लोग प्रोविजनली सेलेक्टेड होते हैं, 7720 की ज्वाइनिंग लेटर में आपको पता ही होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बांटा है यह ज्वाइनिंग लेटर और उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह भर्ती बिल्कुल पारदर्शी ढंग से हुई है। अब 177 प्रोविजनल रूप से सिलेक्टेड थे, उनकी कोई न्यूज़ नहीं अभी तक मिल पाई है कि क्या वास्तव में उनको भी ज्वाइनिंग उनकी भी हुई या नहीं हुई, ऐसी कोई अपडेट अभी तक तो नहीं मिली है। हाँ, किसी की मिली हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं 188 की बात कर लें तो 188 पद पहले ही माइनस कर लिया गया आयोग द्वारा और विभाग की मिली भगत द्वारा 8085 में से, मीन्स 188 तो पहले से रिक्त कर लिया। किसके लिए? क्योंकि लेखपाल भर्ती में सबसे बड़ा घोटाला PHOH का रहा, इसलिए घोटाला शब्द यूज कर दे रहे हैं। अगर आयोग या विभाग को मेरी बात से कुछ छुपता महसूस हो तो उसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी भी हूँ, लेकिन कहना उचित इसलिए है कि विज्ञप्ति आती है, विज्ञापन में चलन क्रिया प्रभावित सभी लोगों के लिए, उनके लिए भी सीटें होती हैं। मिस पीएच की बहुत सारी सब कैटेगरियों के लिए अलग अलग पद थे जिनकी संख्या लगभग 4600 थी। आप उनसे शुल्क लेते हो, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग में 4600 लोग सेलेक्ट होते हैं, रिजल्ट आता है, या रिजल्ट में कहिए रिजल्ट, फाइनली रिजल्ट में 4600 समथिंग सेलेक्ट होते हैं और सभी को आप डीबी के लिए बुला लेते हैं। जब आपको 188 लेना नहीं था तो क्यों आपने बुलाया? क्या आपको इसके पहले नहीं पता था? जब रिजल्ट आया और जब यही दिव्यांग भाई बहन मिलने जाते हैं आयोग से, तो आयोग जवाब देता है कि आपके लिए शासनादेश है ही नहीं है, आप लेखपाल बनने योग्य नहीं हो। तो इसको घोटाला न कहा जाए तो क्या कहा जाए? आखिर में भर्ती पारदर्शी ढंग से हुई है, अन्य राज्यों में इसी पटवारी पद पर PHOH कैंडिडेट को लिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों? यहां तक दिव्यांग भाई बहनों ने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा मेडिकल ले लीजिए, मैं अगर कार्य करने में सक्षम हूं तो मुझे नौकरी दीजिए, अन्यथा न दीजिए। लेकिन आयोग ने हिल्ला हवाली किया, कहा कि नेक्स्ट भर्ती में देखेंगे और उसी बात को लेकर धरने पर लगातार बैठे। और राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष श्री बीरेन जी ने मजबूती के साथ इनका साथ दिया है और कल की डेट में महा आंदोलन भी लखनऊ में इको गार्डन में होने वाला है, उत्तर प्रदेश के समस्त दिव्यांगजन। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। अब रही बात 7720 में से 6156 या समथिंग ऐसे लोग केवल ज्वाइनिंग लेते हैं, उसके अलावा बात करें तो वीडियो भर्ती 2018 उसका भी परिणाम आता है, उसमें भी कैंडिडेट थे समथिंग 500 से 600 की संख्या निश्चित तौर पर। कोई लेखपाल तब वीडियो, अगर वीडियो में सिलेक्शन हुआ है तो लेखपाल बनना नहीं चाहेगा, श्योर है कि वो वीडियो पद को ही ज्वाइन करेगा, 500-600 इनको रख लीजिए।
अब आप बताइए, लगभग 2200-2300 की संख्या तो खाली जा रही है, और आपके पास, मैं आयोग और विभाग दोनों से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में लेखपालों की इतनी भारी भरकम कमी, और आपके पास जब आपने 27,000 लोगों की डीबी कराया है तो क्या उसमें क्रीम बच्चे अभी नहीं बचे हैं? केवल 7,720 ही क्रीम थे, उसके अलावा नहीं? उसके अलावा सब अनपढ़ है क्या? आयोग या विभाग को सोचना जरूर चाहिए। मैं कहता हूं ठीक है, नियरेस्ट कट ऑफ में जो 1-2 मार्क्स में आ रहे हों उनके लिए एक वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भर्ती तो शिक्षक भर्ती होती है, टीजीटी पीजीटी में होता है, जहां की कहिए तो शिक्षक ही समाज का सबसे बड़ा प्रेरक है, उसके लिए वेटिंग लिस्ट आ सकती है। लेखपाल में वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आ सकती? यह विभाग और आयोग को जरूर सोचना चाहिए, और मैं कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर सही रूप से आयोग और विभाग यह बात पहुंचाएं तो माननीय मुख्यमंत्री जी 1 मिनट में निर्णय करेंगे कि वेटिंग लिस्ट जारी हो और पद को पूरा भरा जाए। अरे कम से कम 8,085 तो भर जाते, उसके बाद आता, लेकिन फिलहाल एक प्रयास जरूरी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, भाई किसी को छुपता महसूस हो, बुरा महसूस हो, बहुत से लोग बहुत सारा कमेंट करते हैं और बहुत से लोग ये भी आपको निराश भी करते हैं, तो निराश मत होइए, प्रयास जरूर करना चाहिए, कोई आप गलत प्रयास नहीं कर रहे हैं। अरे भाई आप पारदर्शी ढंग से, आप भी तो परीक्षा दिए, आप तो नियरेस्ट कटाप में हैं, तो क्यों नहीं आप लेखपाल बन सकते? उसके लिए एक आह्वान जरूरी है, या माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं मानता हूं कि बहुत ही कुशल निर्णायक हैं, बस बीच के बिचौलिए उन तक सही बात पहुंचने नहीं देते, यही कमी है। चलिए आपके लिए ही मैं इतना जरूर कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये पंक्तियां बार बार मुझे झंझोड़ती हैं और उनको मैं आपके साथ जरूर शेयर कर रहा हूं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो एक कोशिश करने में क्या बुराई है? क्योंकि हार में ही जीत छुपी होती है, भी जान लीजिए, यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? तो इस वीडियो में बस इतना ही, हालांकि अभी तक कोई प्रेरक बात समझ में नहीं आई है आप सभी में, ये बात मैं ये वीडियो जानकर डालता हूं कि कम से कम ये 20-2200 पद जाया न जाए, इतने भाई बहनों के घरों में खुशियां तो आ सकें। आज के समय में भाई किस ढंग से शिक्षा ली जाती है सभी को पता है, किस ढंग से आपने फार्म भरा होगा, डीबी करा, परीक्षा दिया, डीबी कराया, सभी को पता है, तो प्रयास जरूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, लास्ट में मैं इतना ज़रूर कहूँगा, चाहे वो अपने अभ्यर्थी गण हों लेखपाल भर्ती के, जो भी भाई बहन हैं, चाहे आयोग विभाग शासन प्रशासन, अगर मेरी बात से कहीं से कोई छुपता सी महसूस हुई हो या आहत सा महसूस कर रहे हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बट लेकिन पता नहीं क्यों सच लगता है कि ऐसा होना चाहिए, जहाँ इतनी भारी भरकम लेखपालों की कमी है तो योग्य पड़े हुए हैं आपके पास, केवल उन्हें ज्वाइनिंग लेटर ही देना है, तो क्या बुराई है? इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।